नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह हैं अक्षय कुमार जो आज तक के कार्यक्रम में आंसू बहा रहे हैं। अक्षय आप रो क्यों रहे हैं? आप जानते हैं अक्षय आंसू क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि अक्षय आपकी एक ही विचारधारा है, देशभक्ति की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा। अचानक अक्षय की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं और अक्षय कहते हैं, फिर भी लोग मुझे कनाडा कुमार कहते हैं। अक्षय, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कनाडा देश की नागरिकता क्यों ली? क्योंकि इसी इंटरव्यू में आपने यह बताया कि 90 के दशक में आपकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और तब आपको लगा कि आपको अपना बोरिया बिस्तर समेट के कनाडा में जाकर बिजनेस करना चाहिए था। आपने अपने देश की नागरिकता छोड़ी, कनाडा की नागरिकता पकड़ी और आप देश छोड़ने को तैयार हो गए थे, मगर अचानक आपकी दो फिल्में सुपरहिट हो गई, आप वापस देश में ही बैठ गए, मगर तब तक आप कनाडा की नागरिकता ले चुके थे। अक्षय जी, अब आपकी 9 फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी हैं। आपकी फिल्म सेल्फी रिलीज हुई और कोई भी नहीं पहुंचा सिनेमा हॉल देखने के लिए फिल्म। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अब भी भारतीय पासपोर्ट दोबारा हासिल करेंगे? कहीं कनाडा तो नहीं चले जाएंगे? क्योंकि आपकी 9 फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी हैं। मगर मेरा बड़ा प्रश्न आपसे, आप रो क्यों रहे हैं? याद कीजिए आज से 1.25 साल पहले का मंजर, जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था। 1 महीने तक आर्यन खान जेल में था। अक्षय कुमार ने शाहरुख को फोन कॉल भी नहीं किया था कि इस मुश्किल लम्हे में मैं तुम्हारे साथ हूं, फोन कॉल तक नहीं किया था। मिलना तो बहुत दूर की बात है। मैं समझना चाहता हूं कि शाहरुख तो इस दोजख, इस नर्क का सामना कर चुका है। अक्षय, आपकी 9 फिल्में क्या फ्लॉप हुई? आप तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस पत्रकार के सामने इस तरह से रोने लग गए? आपने जब कनाडा की नागरिकता ली थी तो उस वक्त आपने बिजनेस के चलते ली थी, उल्टा आप देश की जनता को यह भी झूठ बता रहे थे। और वो झूठ क्या था? कि मुझे कनाडा की सरकार ने सम्मानित किया है, उन्होंने मुझे विशेष तौर पर नागरिकता प्रदान की है। यह बात आपने टाइम्स नाउ के इस कार्यक्रम में कही थी, जो झूठी बात थी। अब आपके मुंह से असलियत निकल गई है। अब आपने बताया क्योंकि आपका धंधा चौपट हो रहा था इसलिए आप कनाडा भागने वाले थे। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इसी तरह से शाहरुख खान ने किया होता या सलमान ने या आमिर ने, वो तो पहले से ही मुसलमान है, उन्हें तो न जाने किस तरह से टारगेट किया जाता। अक्षय, आप क्यों रो रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि आप सत्ताधारी बीजेपी के इतने करीब हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करते हैं और कहते हैं कि आप आम काट के खाते हैं चूस के, फिर भी आपकी आंखों में आंसू। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब शाहरुख खान के बेटे पर निशाना साधा जा रहा था, तब शाहरुख खान अपने मित्र पत्रकारों के साथ बैठकर उन्हें इंटरव्यू नहीं दे रहे थे सहानुभूति हासिल करने के लिए। वो अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे। जब उनकी फिल्म पठान पर गंदा निशाना साधा जा रहा था, तब वो अपने मित्र पत्रकारों के साथ बैठकर उन्हें इंटरव्यूज नहीं दे रहे थे, अपने लिए सहानुभूति हासिल नहीं कर रहे थे। वो बिल्कुल चुप थे, एकदम खामोश थे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। बस वो एक बार कोलकाता आए थे, उन्होंने कहा था कि जीत सकारात्मक और पॉजिटिव लोगों की होगी। याद कीजिए अक्षय, शाहरुख ने क्या कहा था, आप भी सुनिए। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। मगर हां, शाहरुख कभी रोए नहीं, जिस तरह से आप यहां पर रो रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पाता हूं, ये जो सत्ताधारी सेलिब्रिटीज होते हैं, ये बात बात पे इतने डर क्यों जाते हैं, रोने क्यों लगते हैं? अक्षय कुमार को आपने देखा, आपके स्क्रीन पर कुमार विश्वास। मैंने 2 ही दिन पहले एक कार्यक्रम किया था, कुमार विश्वास
और नेहा सिंह राठौर का फर्क। मैंने आपको बताया कि नेहा सिंह राठौर के घर में पुलिस पहुंच गई उनके एक गाने को लेकर, उन्हें परेशान किया जा रहा है, वो अस्पताल भी पहुंच गई, मगर वो लड़की आज भी माफी नहीं मांग रही है। उल्टा न्यूज चैनल्स अपने कार्यक्रमों में उन्हें बुलाकर उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। कुमार विश्वास ने अपने कार्यक्रम में आरएसएस को अनपढ़ कह दिया था, वो दिन है और आज का दिन कुमार विश्वास माफी मांगते फिर रहे हैं, मगर नेहा सिंह राठौर उस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। अस्पताल की वो तस्वीर देख चुके हैं दोस्तों, मैं आपको नेहा का एक और बयान पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री मार्कंडेय काटजू जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मुझे भेजे गए नोटिस को अवैध बताया है और मुझे आश्वासन दिया है कि भारत की न्यायपालिका न्याय के पक्ष में मेरे साथ खड़ी है। जिस पीड़ा को मैं और मेरा परिवार झेल रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मगर आज भी ये लड़की माफी नहीं मांग रही है दोस्तों, झुक नहीं रही है, वो टॉर्चर का सामना कर रही है। मगर अक्षय कुमार 9 फिल्में फ्लॉप क्या होती है, रोने लगते हैं, जबकि अक्षय जी आप तो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हुए हैं। आपकी कौन सी फिल्म आई थी, वो पृथ्वीराज ना, वो न जाने कितने राज्यों में टैक्स फ्री हो गई थी, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में, मगर फिर भी वो सुपर फ्लॉप साबित हुई। आप तो सत्ता की गोदी में बैठे हुए सेलिब्रिटी हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों? आंसू तो शाहरुख खान की आंखों में होने चाहिए थे, जिसके बेटे पर निशाना साधा जा रहा था, जिनके धर्म को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा था, मगर वो आदमी कभी पीछे नहीं हटा, वो कभी रो नहीं रहा था, उल्टा वो देश की जनता के सामने सकारात्मकता का संदेश लेकर आया, वो पीछे नहीं हटा। तो फिर ये सत्ता परस्त मर्द इतने डरपोक क्यों होते हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया कि नेहा सिंह राठौर को न्यूज चैनल्स भी परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आज तक का एक कार्यक्रम हुआ साहित्य आज तक, उत्तर प्रदेश में नेहा सिंह राठौर को बुलाया जाता है। दोस्तों वैसे तो साहित्य आज तक एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, मगर मैंने वो कार्यक्रम देखा, कार्यक्रम के अंत में एंकर ने जिस तरह से नेहा सिंह राठौर को घेरना शुरू किया, जिस तरह से उन पर निशाना साधना शुरू किया, उनसे यह तक पूछा कि आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के एक अच्छे काम को बयां करें, उस सवाल का जवाब वो नहीं देना चाहती थी, मगर एंकर पीछे पड़ा रहा कि नहीं आपको बयान करना ही पड़ेगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कौन सा अच्छा काम किया। जब वो उठकर जाने लगी तो वो एंकर ये भी कहने लगा कि यही वो उत्तर प्रदेश पुलिस है जिसने मोनू मिश्रा पर कार्रवाई की थी। तो मैं सत्ता के चाटुकार उस एंकर को याद दिलाना चाहूंगा, मोनू मिश्रा पर तब कार्रवाई हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, पढ़ना लिखना सीखो, हकीकत जानो, नंबर एक। नंबर दो, भूल गए हो हाथरस, भूल गए हो। अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ करनी थी, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि कानपुर देहात में एक बुलडोजर चलता है, प्रमिला और नेहा नाम की दो हिंदू ब्राह्मण महिलाएं मारी जाती हैं, और कार्रवाई किस पर होती है? नेहा सिंह राठौर पर, और तुम उसी नेहा सिंह राठौर को परेशान कर रहे हो। ये सत्ता के चाटुकार नेहा सिंह राठौर को परेशान कर रहे हैं दोस्तों, यह है हमारी पत्रकारिता की हकीकत। और इत्तेफाकन चाहे अक्षय कुमार की मिसाल हो या फिर नेहा सिंह राठौर, दोनों एक ही न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है, मगर यह तो मौजूदा मीडिया है दोस्तों, यही इनका अंदाज़े बयां है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए, बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।